वाह, तुम तो अरिजीत सिंह बन गए। वोट दे, वोट डाल गया वार्ड मेंबर और चेयरमैन की दोनों की, कर दोनों वही बनेंगे जो तुमने डाल ली। वार्ड मेंबर तो वही है ऑफ कोर्स, हां चेयरमैन में थोड़ा हो सके, वार्ड मेंबर तो वही है जिसको वोट दिया। सुबह तो एक बहुत छोटा सा काम करने जा रहा हूँ, जैसे गिनवाते हुए मुझे शर्म आ रही है कि बस गाड़ी में से एक सामान निकाल के हमें बाहर वाले गेट पे दे पकड़ा गया ना, और आज का यही काम है बस। कल तो यार कितनी देर हमने आराम करा, तू और रेत उधर गए थे, बाकी हमने तो मैं तो बढ़िया ही पलंग तोड़े कल तो। स्क्रिप्ट नहीं लिखी, हाँ स्क्रिप्ट लिखी, वीडियो शूट करी पर मुझे काम नहीं मानता। मैं काम मानता हूँ बाहर निकलने को, बाहर निकल के जब शूट करें ना उसे काम मान लू मैं। स्टूडियो का मतलब रील्स, रील्स रील्स बिग प्रोजेक्ट्स। अभी रील्स से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक बात बताऊंगा। आजकल के मैं इन्फ्लुएंसर को बोलना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट करना बिजी वर्क शेड्यूल नहीं होता, उसको प्रोजेक्ट नहीं बोलते। मेरी फॉलोइंग में एक इन्फ्लुएंसर है जो मुंबई गए एक छोटे से काम से, एक छोटे से कोलैब से, मतलब उन्होंने 20 स्टोरी डाल दी, बिजी वर्क शेड्यूल, टफ लाइफ, हेक्टिक डे। मैंने कहा भाई इंस्टाग्राम पे दो फोटो डालना बिजी लाइफ नहीं होती, बिजी लाइफ का मतलब बहुत अलग होता है। बिजी लाइफ तुम्हारे पापा है बिजी, जो खेत में जा रहे हैं डेली फावड़े से मिट्टी इधर से उधर कर रहे हैं, तुम्हारे खर्चे उठा रहे हैं, वो है बिजी लाइफ। ये वीडियो बनाने में बिजी लाइफ है क्या? वो भी चलो ठीक है बिजी हो सकती है, पर वीडियो पे तो कुछ हो कि 10-20 मिनट की बना दी बाहर चला गया। हर्ष बेनीवाल गए बिजी लाइफ वर्क शेड्यूल है ना, हेक्टिक डे, तो मैं मानू भी कि चल भाई हर्ष बेनीवाल का होगा भाई, वो वैसा शूट करें। ये क्या है रील बनाने को प्रोजेक्ट बता रहे, आप भी बता रहे। मैं तो आयरनी के लिए बताऊँ ना, बिग प्रोजेक्ट कमिंग सून, कमिंग सून होता नहीं वो, अगले घंटे रिलीज कर दूं फिर मैं। आज देखो पार्किंग में क्या बीस्ट खड़ा है, कैसे भी तरह के लोग आ जाए हमारी सोसाइटी में, दिक्कत यही है कई बार बहुत अमीर और कई बार बहुत गरीब भी। दादा सुनिए, एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, वैसे तो मैं छोटे का वेट कर रहा था पर जब तक वो आएगा तब तक आ जाए। अक्षित 2 मिनट दरगाह फोन। तो रात मेरे मन में एक प्रश्न आया था, जैसे तुमने अपने आपस में सारे दोस्तों के हालात देख रखे, सबका नेचर भी पता, तो अगर तुम्हें एक चांस दिया जाए, तुम्हारी जो वाइफ है या गर्लफ्रेंड है जो भी, मतलब जिसे तुम अपना फ्यूचर लेके चल रहे, तुमने कहा उसे किसी लड़के से दोस्ती नहीं करनी, पर वो अभी यूं कहते हैं कि मेरी अपने किसी एक दोस्त से दोस्ती कराओ, मुझे बेस्ट फ्रेंड बनाना, तो ऐसा कौन सा एक दोस्त होगा जिसे तुम अपनी वाइफ का बेस्ट फ्रेंड बना लोगे? अरे एक ऐसा दोस्त जिससे तुम अपनी वाइफ के आसपास भी नहीं भटकने देने के। छोटा रक्षा भी नारा, उसे भी इंक्लूड कर लो, छोटा रक्षा भी है। दोनों में जवाब कोई नहीं है। नहीं, एक तो करना, दोनों में एक चूज कर। अरे रीजन देना, रीजन बिल्कुल आज खुले में मेरे से। हाँ अच्छा, एक जिसे रखना, एक बेस्ट फ्रेंड बनवा दोगे जिसके साथ तुम्हें चैट भी नहीं देखने को मिलने की, मतलब रेयरली, और वो बाहर भी घूमने जा सके, वो होगा वो बेस्ट फ्रेंड, मतलब हम सारों के प्लस छोटा लक्ष्य है। तो बड़ा ही सवाल बता। और इसमें देख, जब सबके जवाब होंगे ना, एक नाम ऐसा भी निकलेगा होगा जरूर जो उन जवाबों के अलावा भी बहुत खतरनाक होगा, एंड में बताऊंगा। देखो यार दोस्त तो बनवा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। बेस्ट फ्रेंड कौन होगा? एक बेस्ट फ्रेंड एक। देखो मुझे लगा सारे भले लड़के हैं वैसे। नहीं सफाई नहीं, सफाई नहीं। एक ना कैरेक्टर जज हो रहा आज तो सारा। तुझे ही हो जाएगी भाई, इसके साथ तो बिल्कुल सेफ। हाँ, तेरे बिना बिल्कुल नहीं। सेफ सभी के साथ है, लेकिन सब में अगर कंपेयर करा तो अक्षित के साथ सबसे बेस्ट फ्रेंड बैठी। बच्चों का चेहरा किसी और बैठी, कोई दिक्कत नहीं। सबसे दूर किसे भगाओगे? मुझे तो तेरा नाम, जिसे ब्लॉक मारेगा। तीन लड़कों के सेम नाम है, उनमें से ये बात करते ही मैं बताऊ, वो नाम नहीं कोई नहीं। चलो हर्ष बताओ, एक से तो दोस्ती करवानी बेस्ट फ्रेंड, ना मैसेज दिखने, कई बार चैट नहीं दिखने की, तेरे पीछे भी घर आ सके, घुमा के भी ला सके, वो सब वो वाला सीन कुछ कर ले। और अनमैरिड होगा वो दोस्त उस टाइम, उसका नाम बता। तू बाहर है तो मुझे अक्षित ले जाइए, भाभी को बाहर ले। देख पड़ोसी तो अक्षित है, लेकिन अक्षित सिंगल हो गया नहीं, उसका डाउट है। नहीं होगा वो, जो भी तू नाम लेगा उस टाइम सिंगल होगा। रे और जिसे तू बिल्कुल आस पास में नहीं भटकन दे अपने, तो लेकिन अपनी गर्लफ्रेंड है वाइफ के, ब्लॉक करना एक नंबर उसके फोन से। नाम आ रहा मुंह पे, पता नहीं इसका, इसका मुझे बता नाम इसका। नहीं, नहीं, वो नहीं है जो तू सोच रहा है यार। बला दी वो चला, वो नहीं है ले दे उसको। बता दे यार, एक आदमी तो 6 में सब लोग में ऐसा बदलाव। इसका आंसर तो जो सेम नाम वाले 3 आदमी सुनी में है, और वो यहाँ है नहीं। है नहीं, अच्छा चलो छोटा लिख से बता। मुझे तू बता भाई, एक को तो बेस्ट फ्रेंड बनवाना, मेरे चित को बेस्ट फ्रेंड बनवाना।
और जिस आसपास भी नहीं भटकन देने का यार, देख इसका कान से थोड़ा सा हट कर सके लो इसका जवाब समझ गया इसका जवाब पीछे घूम बग्गे तो बोल बेस्ट फ्रेंड वाइफ का बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड धागा धागा और जो सब ब्लॉग मार देगा फिर मुझे लगवा ब्लॉग मुझे वाला तू माले तू ते तेरे पास तो 2 लाख से बचे नहीं कर ले मी मैं कुछ तो नहीं कर रहा लाइफ में तू बताओ नहीं ये बात तो अभी चल रही आज खुद ही सवाल पूछ लिया खुद ही टारगेट हो गया मेरे पास बहुत सारे नाम है नहीं मैं बेस्ट फ्रेंड तो मैं ढागर रेगू दोनों को बनवा दूंगा बेस्ट फ्रेंड कोई दिक्कत नहीं है और उसके बाद दो नाम ऐसे हैं जिन्हें ब्लॉक मारो एक बग्गा एक अक्षित अक्षित भी ऐसे ही है ना तो हॉट डॉग यू करेगा भाभी मिलो तो दीदी चलो यू करेंगे अक्षित पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं मुझे इस मामले में ठीक है भाई और बग्गे का मैंने एक रूप देख रखा एक बहुत ही डेंजरस रूप देख रखा मैंने बग्गे का वो बेल्ट बुल्ट उठाओ फिर रहा था अभी अनिकेत को कहा था भाई चावल के साथ मट्टा पीना ये ग्लास में ले गया मैंने भर के घूंट मारी एकदम समझ आया भाई तो दूध है मैं सोचा यार मट्टा कैसा हो गया एकदम फिक्का फिक्का था क्या हो रहा है अनिकेत भाई जस्टिफाई नहीं कर पा रहा अब तो तू अच्छा सच बता रहे इस मैकबुक पर तुमने 18 प्लस मूवीज देखी कभी सच बिल्कुल जमीर से पूछ के अपने 18 प्लस जमीर झूठ नहीं बोलता क्योंकि यार 18 प्लस तो सारी मूवी ऑनलाइन बॉलीवुड की मोस्टली मूवीज 18 प्लस देखी है फिर मतलब कुछ आपत्तिजनक अगर तू ऐसा कुछ पूछ था कि एनिमे या ऐसा कुछ देखा तुमने कि ये शौक नहीं नॉर्मल मतलब अच्छा नॉर्मल फिर प्रॉन फिल्म्स प्रॉन नहीं देगी खैर उसके लिए दूसरी कमेंट करोगे तो बता देख ले यार दिक्कत नहीं है ना कॉन्टेक्स्ट के दे रहा था मैं तो ये बात एक ना हमारे स्कूल की क्रश है उसकी हम सबको आईडी मिल गई एक साथ तो कोई से नहीं उसे भरने करेगी कोई सा भाई पहले भेज लेगा फिर भाग 6 लड़कों की एक साथ रिक्वेस्ट गई उस पे मेरी क्रश नहीं है मैं यही अपडेट कर दूं तो तूने क्यों भेजी फिर भेड़ चाल में कोई नहीं तो मैं भी अनसेंड ही कर दे रहा यार फिर वैसे भी अपने फर्जी वाले से भेज दी थी इससे तो वैसे भी एक्सेप्ट नहीं होनी तो पपरेड जो है कुछ खाने के लिए निकल चुकी है सब बताना पड़े यार सभी लोग भी कई जिंदगी है ना दोस्तों की प्राइवेसी ना अपनी प्राइवेसी इसे देख ले तो चश्मा लगाना बाल ऐसे करके इतना फ्रॉड आदमी आर वर्ड इसी के लिए नहीं इन्वेंट हुआ था क्या इतना फ्रॉड आदमी और कल यूं कह रहे जिससे दोस्ती तोड़ दूंगा कपड़े उसके पहन के घूमगा और मुझे पता नहीं अब तक मैंने बताया नहीं कि हम 13 मई को आ रहे हैं कानपुर स्टैंड अप के लिए 14 को आ रहे हैं लखनऊ और 27 को आ रहे हैं जयपुर तो इन तीनों शहरों की जो पब्लिक है उनको टिकट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पिंड कमेंट में मिल जाएगा दूसरी बात रिकॉर्डिंग शो हो रहा है जो होगा जून में और जून में कुछ सिटीज बची हुई थी जहां पे हम अभी तक गए नहीं थे वो रिकॉर्डिंग शो तो दिल्ली करेंगे तो जितने भी दिल्ली गुड़गांव नोएडा वाले लोग होंगे मतलब एक आखिरी चांस होगा अगर इस वाले सेट को लाइव देखना और रिकॉर्डिंग शो का एक पार्ट बनना है तो वहां पे छोटे रूम में करेंगे लेकिन वो बहुत ऑडिटोरियम है तो शायद ऑडिटोरियम ही बट छोटे ही रूम में रिकॉर्ड करेंगे टिकट्स लिमिटेड रहेंगे टिकट्स लिमिटेड रहेगी क्योंकि लिमिटेड लोगों में ही रिकॉर्डिंग हो पाती है और कभी भी गुड न्यूज आ सकती है मेरठ मुजफ्फरनगर वाले लोगों के लिए हाँ। तो लेकिन हाँ उसमें मंथ लगेगा क्योंकि वहाँ पे अभी वेन्यू शॉर्ट कर रहे हैं हम लोग की अच्छा इस तरह का वेन्यू मिल जाए जहाँ पे अच्छे से ऑर्गेनाइज हो पाए तो बाकी सहारनपुर में है वेन्यू लेकिन मेरठ मुजफ्फरनगर में भी हम वेन्यू शॉर्ट कर रहे हैं बड़ा झटका लगा कि सहारनपुर में स्टैंड अप हुआ हर्ष गुजराल हर्ष गुजराल का तो हमेशा की तरह बड़े किंग तो चिकन शोरमा बोल रहे हैं तो शवरमा जो भी बोल रहे हैं उन्होंने तो वो ले लिया और मैंने आज कुछ नई चीज़ ट्राई करी कुरकुरे चीज़ कॉर्न मोमोज दुकान वाले भैया ने पहले ही वार्निंग दे दी कह रही कि उसे बनने में लगेगा टाइम 15-20 मिनट दोगे तो बनाए वरना तो नहीं मैं कहा नहीं ले लो सारा टाइम आपका ही है बाकी छोटा लक्ष्य और अक्षित ये लोग हैं उधर वाली दुकान पर ये ले रहे उधर से बर्गर और चाप रिव्यू कैसा है छोटे जी अभी खराब होता मुँह में घुलने दो पहले अच्छी है टक्कर है उसकी पूरी टक्कर है ये जो असली जाट के लड़के हैं ये खा के बैठ जाए सबसे पहले बाकी इस लगे पड़े अभी तक रेगा बर्गर पैक करा लिया रे ने कहा कुछ और था पैक कुछ और करा लिया हमने उसका वैसे मुझे लगता नहीं बर्गर भी खावेगा वो बर्गर भी मुझे नहीं खेत दिख रहा खाता हुआ दो कुरकुरे मोमोज ले लिए उसके लिए इस टाइम तो वो रात के 4 बजे वाली फिल्म होगा ऐसा सोया पड़ा चले भाई मूवी में 15 मिनट रह गई मूवी की 15 मिनट रह गई बस किस टाइम ये 10:55 ही है ना 10:30 अरे कहाँ वेव में 15 मिनट का रास्ता है यहाँ से क्योंकि वापस एक बार फ्लाइट चलना पड़ेगा वेव में है या मॉल ऑफ इंडिया में नहीं 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 तो सब तो कर ले देखो एवरीबॉडी इज सो रॉन्ग मूवी है वेव सही बर्गर
क्यों क्या करेगा, चुम्मा लेगा बर्गर बनाने वाले का, जब से बर्गर कैसा, बर्गर कैसा यार बनने पूछा अलग से। अरे कैसा है यो दुकानदार, ताऊ आऊ लगे है कुछ तो लिया, गलत बात नहीं भाई इसकी, भाई बढ़िया लग रहा बर्गर। अब बता खुश है तू, अब तुझे नहीं लगता अक्षय ये दुकान पे आजकल दुकान वालों ने कोल्ड ड्रिंक रखनी तो बंद कर दी, एक नींबू पानी बेचे हैं 200 रुपए का। मोई तो शेर हाँ कोल्ड ड्रिंक नहीं रखते, बढ़िया बना खा लोगों का हाँ। पानी ऐसा बेच रहे 200 रुपए में, बढ़िया। छोटर में एक जगह गए हाँ। 280 रुपए का मोई तो भाई बना के दे ऐसा बना होगा, पर यार कोई वर्थ थोड़ी यार 280 का मोई तो क्या ही। देख यार कुछ प्लेसेस ना वर्थ के लिए होते ही नहीं, उन्हें टारगेट इस तरीके से करा जा की मतलब बेसिकली कपल्स के लिए बनाया ना, गर्लफ्रेंड के सामने शेखी मारने को आदमी पैसे खर्चे। क्या रेट है क्या नहीं है, रेट पूछा इज्जत नहीं करेगी। और क्या ओ माय गॉड ही सो चीप, तुम इतने हाई स्टैंडर्ड कैफे रास्ते हैं ये, पोल वॉकर और वो विंडीजल अलग हो जाना, इस तरह से प्रैक्टिकल और लड़कियां। प्रैक्टिकलिटी जीरो। मैं ये कह रहा कि लड़कियां ही एक लड़के को लाइफ में सुधार सके, वरना लड़का डिस्ट्रॉय कर ले खुद को। लड़कियां तो किचन बात पलटती तेरे ले जाते जाते। मैं बहुत बड़ा हिपोक्रेट हूँ, मैं कभी तो कुछ कह ले हूँ, कभी कुछ भी कह सकू मैं अभी भी, मैं एक ही बात पे टिका हुआ, किचन और बेड। इतनी सैडनेस क्यों है भाई, तो रे गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी की सारी मूवीज देख रखी तुमने, यहाँ तो कुछ भी फॉलो नहीं करते, पूरा का क्या देखा उसने, मतलब ठीक है यार तो मूवीज तो पूरे टाइम तो तू एडिट कर रहा है, कब मूवीज देखे है तुम्हें पता रे की, एक बहुत सैड चीज बताऊं तुझे तो आ जाएगी, रे मूवी भी 2x पे करके देखे है। अब मैं 2x पे करके यार वो खत्म हो गया, मैं सीरीज नहीं देखता, देख जिंदगी वो है, रे मुझे सिखा दे यार कट मारने, वो हम मूवी आए थे चलो ओपन हो गया इस टाइम, वैसे ही पूछ रहा है दोस्त के लिए पूछ रहा हूं मूवी भाई बढ़िया थी एकदम, मजा आया देखने में, मतलब बहुत टाइम बाद कोई ऐसी अच्छी मूवी देखी, तो मैं तो रिकमेंड करूंगा जाना, फैमिली के साथ भी देख सकते हो, दोस्तों के साथ भी देख सकते हो, ऐसा कुछ है नहीं। आज ये नीचे चलेंगे ना, जल्दी जाए जा इधर से। और हाँ मैं एक बात बताना भूल गया था, जो मैंने आज वीडियो डाली ना मेन चैनल पे आर्मी वाली, वो हमने एक साल पहले भी बनाया था उसका एक पार्ट सेम आर्मी वाली शॉर्ट्स पे, और कोइंसिडेंटली मैंने आज ध्यान दिया कि मैं उस पार्ट में भी यही सेम शर्ट पहन रहा था, और इस वाली वीडियो में भी यही सेम दिया, जब थंबनेल बना रहे थे कि उसका कैसा था इसका सेम ना बन जाए, या सेम बनाने के लिए बना, तो तब देखा मैंने कहा यार बताओ कहना वही है बड़े भाई दुनिया गोल है। तो वही मूवी देख के आने के बाद अब एक ऐसा टास्क मिला हमें, रात के 1:30 बजे एक दोस्त को अर्जेंटली गाड़ी चाहिए, तो अभी हम वो गाड़ी ड्रॉप करने जा रहे हैं अपनी उसके पास। रात मुझे बहुत खराब सपना आया था, और ये जो एकदम से फोन आया ना कि गाड़ी छोड़ दो चला लूं, मुझे ऐसा लग रहा है फोन गलत आया, मुझे तो अर्द रचित को ले दे, रचित की शर्ट पहन रहा तू भी। तो गड्डी ड्रॉप कर दी मयूर विहार की संगीन गलियों में, ये मिल गई जेम्स बॉन्ड की गाड़ी, इसमें गेट अंदर से ही खुले, अबे लोग बड़ा जिद्दी है, चटकने लग वाला चटकने लग वाला बको, इसी ऐसी लाइट भी है जो बंद हो रही है उसमें इस टाइम दिक्कत की सारी जल्दी पट सके गाड़ी रास्ते में ही। चलो भाई चलते हैं वापस नोएडा फ्लैट। ए भाई रे टायर निकल गया, टायर निकल गया क्या।